Una Juárez, hoy 11, los chichaquis son en la dama gormines, más bien anzínica en la dama, duchasfos, la dama corena de Zamchik, la imazón, y en la son, la dama gorsin pong, gormen catincha ni trucha. Set, tiene mi man sama de ayuan, di gorsin posutana, di xuna matana, di genu. Descanpo Mazerba, digo Simpo Tsangma, Tama Zarudi, Dipiamatan Sumas, Dilchoste, o Simpo Tancha, Mazarudi, en Tamiman Sama, y Jua Diain, Juran Salam. लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर वन है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी, दो दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। Gersit Gampuna Tsuxla Zille Kargilang January Nistong Issues Sakshigi Chuzugna Falaga COVID-19 Huda Tangma Gozuk Chachainzuk Divexin Pu Natir Gersit Kuryang Choskanchigin Bomaguiresi Gapanuk Deluxi Mehkame Lasmun Duna Dunlabinsi COVID Nas Grad Burkan Elasmun Saga Dihudao Tangma Chachainzuk Disirang Bomaguiresi Gapanuk Nikarot Suma Dihudao Tangma Chachain Dijugna Tsirika Mimangs Gama Dihudao Tangma इस कोरियन हुकूमतीस ऐलान बचाएं मिमांसला जो इन हुकूमतीस ऐलान बाना यंती रेस्पूल ले बचिक दी वैक्सीन पु मेट खमेट तंग से रंग ना रंगे नंग म्यूनिस सुन लुक्स बाजार यंतंग सक सुन से लुसना गैसित सुन से लुचाएं महकमे सियत जिला कारगिली चौकसना मिमांसी फंटोक्सिफिया जेके 24/7 में आप सबका स्वागत है। जहां सर्दियों की जब बात करें लद्दाख में तो काफ़ी दिक्कतें शुरू हो जाती है, और जहां बात करें सब्जियों की और फल फ्रूट जो मिलना यहां पे बहुत मुश्किल होता था, तो इस साल इस विंटर्स में जो है काफ़ी सब्जियां और काफ़ी फ्रूट्स की मिल रहा है यहां लोगों को। और बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे दिल्ली से सब्जियाँ मंगाई जा रही है और लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिल रही है। तो वही हम आज gorsa.com पे आए हैं, जहाँ ये दिल्ली से फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट लेके आते हैं और लोगों को सुविधा देते हैं यहाँ से ख़रीदने के लिए, और लोग इस चीज़ को बहुत ही खुश है जो इतने सर्दियों के बीच में जब इनको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल रहे हैं तो इस चीज़ की उनको काफ़ी खुशी है। तो आइए दिखाते हैं हम गोरसा किस तरह काम करें, किस तरह वेजिटेबल्स लाते हैं। और जैसे कि आपने देखा है बाहर काफी सब्जियां आ रही है, लोग काफी तादाद में यहाँ पे गोरसा में खरीदने आ रहे हैं। तो वही जानते हैं यहाँ गोरसा में जहाँ लोग काम करते हैं वो उनको कितना ऐसा कुछ जो पूरे साल में पूरे सर्दियों में जब सब्जी नहीं मिल पाता है लोगों को, जब इनके तरफ से जब सर्विस दिया जाता है लोगों को, तो इनको कितनी खुशी महसूस होती है। जी आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सोना संजनी है, मैं गोरसा से काम करता हूँ। जी, तो आप कोई ये सब्जी जहाँ से लाते हैं दिल्ली से इतना दूर से लाते हैं, दिक्कतें भी होती होगी, तो कैसा खुशी महसूस होती है जब आप लोगों को इतना अच्छा सर्विस दे पाते हैं? मैं गोरसा से काम करके कम से कम 6-7 महीना हो गया, मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि पहले जब कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था हम लोगों ने घर घर जाके सबको मतलब बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम सब घर घर के जाके हम लोगों को डोर स्टेप टू स्टेप हम लोगों को सब्जी या ग्रोसरी सब पहुंचता था। अभी भी बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि इतना विंटर में, पहले तो हम लद्दाख बोले तो जब ठंडी के मौसम में हम सिर्फ दाल और आलू खा के बीतता था, अभी बहुत अपने आपको ये समर यानी जून जुलाई के हिसाब से महसूस होता है कि इतना ग्रीनरी सब्जी हम
फ्लैट से लेके सब लोगों को बेचता हूँ, सब लोगों को घर घर तक। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर आके खरीदने पड़ रहे, कि हम लोगों को ये सर्विस भी देता है कि आपने गुर्सा से गुर्सा ऐप से अपने आपको डाउनलोड करके तो आप गुर्सा से ऑर्डर कर सकते हैं, हम अपने आप के डोर तक डोर स्टेप तक हम डिलीवरी कर सकते हैं। जी, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है लोग खरीदने भी आते हैं स्टोर में, और वही एक ऑनलाइन सुविधा भी दिया गया है जहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो गुर्सा हमने जब ये पैंडेमिक जो स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हमने भी एक इनिशिएटिव लिया था कार्टून ट्यूब के अंडर लॉकडाउन के टाइम से, कि एक ऐसा मतलब एक इनिशिएटिव हम स्टार्ट करें, ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करें कि लद्दाख में जैसे अभी विंटर के टाइम पे या लॉकडाउन के टाइम पे भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कि अभी जैसे हमें सप्लाई हमें बंद हो गया था, ऑलमोस्ट सारा कुछ बंद हो गया था, तो कैसे लोगों को मतलब ग्रोसरी हो या वेजिटेबल्स हो फ्रेश हो वो कैसे हम लोगों को मुहैया कराएंगे। तो उस टाइम से लेके अभी तक हमने जितने भी गुर्सा में जितने भी स्टाफ है, जैसे कि अराउंड कुछ 25 या 30 हमारे जितने भी स्टाफ है, वो उनका अलग अलग हमने अपने डिपार्टमेंट दे रखे हैं, जो कोई मतलब बिलिंग में है, कोई मतलब और जैसे हम स्टॉक्स देखते हैं, या कोई मतलब दूसरा जो बाहर से कोई सामान आता है, या फिर अभी जैसे हमने देखा कि विंटर के टाइम पे हम फ्लाइट से दिल्ली से भी अभी वेजिटेबल्स फ्रेश हम लद्दाख के लोगों के लिए अभी ला रहे हैं। तो हाँ जी, इन्होंने जैसे कहा है कि यहाँ पे 25 से 30 लोग हैं जो काम कर रहे हैं गुर्सा के साथ, और वही जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको काफ़ी सुविधाएं होती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपको कितना काम करना पड़ता है, आपको कितना मशक्कत करना पड़ता है यहाँ तक सब्जी लाने। जी ऐसा है मैम कि जैसे मॉर्निंग हम अराउंड 9:30 से शाम के 7:30 बजे तक हम यहाँ पे गुर्सा में स्टोर में बैठते हैं। जैसे हर किसी का अपना अपना मतलब काम है, जो कोई बिलिंग करता है, कोई सेल करता है, कोई परचेज करता है, तो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन का भी हमारा सिस्टम है, जैसे आपने पता है कि gursa.com पे एक ऐप भी है और एक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन सामान अपने घर पे मंगवा सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है लद्दाख में, क्योंकि जैसे दिल्ली चंडीगढ़ या कहीं पे भी वैसा सिस्टम पहले से ही है, बट लद्दाख में फर्स्ट टाइम है, तो जैसे वैसे भी आप सामान मंगवा सकते हैं। और दूसरा है कि वॉकिंग कस्टमर भी गुर्सा में आ सकता है, ठीक है ना, बाहर से कोई मतलब जैसे भी जितने भी लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, ग्रोसरी है हमारे पास अपना मतलब स्टोर है, वहाँ से आप सामान ले सकते हैं। और 7:30 मॉर्निंग 10 से 7:30 तक हम अवेलेबल हैं, आप कभी भी आके हमारे से मतलब सामान ले सकते हैं, मतलब सब्जी वगैरह हो या फिर ग्रोसरी जितने भी आइटम है, या बाहर से भी हम सामान ला के आपके घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने सुना है कि इनको कितना मशक्कत करना पड़ता है, और सर्दी का टाइम है तो काफ़ी सुबह से लेके रात के काफ़ी देर तक ये लोग काम करते हैं, और इनमें जहाँ से ये सब्ज़ी पैक करते हैं और लोगों को यहाँ से पैकिंग करके बेचते भी हैं, जो वॉकिंग क्लाइंट्स आते हैं उनको भी यहाँ पे सब्ज़ी दिया जाता है। तो आइए, आपका नाम? मेरा नाम अंगचुक है। चाहते हैं कि आप जो जिस तरह से लोगों को सुविधा दे रहे, जो पिछले सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज इस साल में पहली बार देखा जा रहा है कि इतने सारे वैरायटीज जो आप gursa.com पे ला रहे हैं, लोगों को सुविधा दे रहे हैं। ऑर्डर आप लोगों ऑनलाइन कर लीजिए, हमारे गुर्सा पे थोड़ा सा भीड़ नहीं लग जाए, सब्जी वही सेम है जो हमारे डेली बेसिक पे आता है, डेली खत्म हो जाते हैं। जी, आप सुबह कितने बजे से शुरू करते हैं और रात में कितने बजे तक आपका ये काम चलता है, और लोगों को कितने बजे तक लोग यहाँ आके सब्जियों का जो डिमांड या आप ऑनलाइन भी जो ऑर्डर्स आते हैं जो वो देते हैं, या लोग कितने बजे तक आपका स्टोर जो है कितने बजे तक यहाँ खुला रहता है? और हमारे सब्जी आते हैं 2 दिन के बाद, जो डेली आते हैं, रोज़ 7 बजे फ्लाइट है, और दिल्ली का मौसम ख़राब होने की वजह से अभी कभी 11 बजे कभी 10 बजे आ जाते हैं। हम शुरू करते हैं जो ग्रोसरी है हमारा 10 बजे से 10 टू 7:30 तक शुरू कर देते हैं, अभी भीड़ ना लग जाए, दिन में आराम से धीरे आ जाए, शाम को जितना ऑनलाइन करेगा हमको धीरे धीरे रोज़ से रोज़ पता लग जाते हैं कि 1 टन लाना है, 2 टन लाते हैं, पब्लिक से जो पहले 1 दिन से पहले आ जाते हैं सब्जी का ऑर्डर, हम डेली बेसिस ऐसे लेते हैं, जो कितना ऑर्डर आता है उसी बेसिस से हम लेते हैं। और ये जो हमारा यहाँ है स्टॉक
थोड़ा रहते हैं कि हमारे रूम अच्छा है और जो दुकान में है जो थोड़ा सब्जी जाम रहा है, जो हमारे जो है यहाँ स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम लोग को बीट हो रहा है। पब्लिक को हम सोच रहे हैं कि डेली बेसिक्स पे आप लोग थोड़ा सा एक किलो हो, दो किलो हो, जितना भी आपको दिन का जितना आप लोग को यूज करेंगे उतने हिसाब से आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, ऑनलाइन ऐप पे कर लीजिए जी। तो हफ्ते में कितने बार आप यहाँ पे सब्जी लाते हैं? हफ्ते में अभी कभी तीन बार आते हैं, कभी दो बार आ जाते हैं। और ये जो हमारा लोकल प्रोडक्ट भी लगते हैं हमें, जो गाजर है, जो आलू है, लोकल है, जो लोकल प्रोडक्ट हमारे हम भी लेते हैं, लोकल प्रोडक्ट भी यहाँ निकलते हैं। तो कितने दूर से आए हैं यहाँ पे कुर्सा में सब्जी लेने? 15 किलोमीटर से विलेज जुशोत। तो आपको पता है जो ये यहाँ पे ऑनलाइन का भी सिस्टम है, ऑनलाइन जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर तक भी पहुँचाया जाता है, उस चीज़ के बारे में आपको अभी पता है? हाँ जी, लाइक हाँ होम डिलीवरी भी है, बट देन टुडे आई हैड अ चांस टू कम टू ले, सो आई जस्ट ड्रॉप बाय। ओके, तो इनको बहुत हर चीज़ की एक इनको जिस तरह से गुर्सा सुविधाएं दे रहे हैं उनको सब कुछ इनकी ज्ञान है, तो इनको खुशी भी महसूस होती है। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स जो है लाइन में खड़े हैं और काफ़ी इनको आके इस चीज़ का ये नहीं है कि ये डेली बेसिस पे जो गुर्सा है हफ्ते में दो बार जो है सब्जी लेके आते हैं। तो जैसे कि आप सबने देखा है कि यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं सब्जी लेने, तो वही अभी हमारे साथ एक कस्टमर है जो यहाँ पे सब्जी खरीदने आए। तो अंदर कितने वैरायटीज आपने देखा और क्या क्या आपने लिया है? अंदर तो बहुत सारे वैरायटी है, जो जो मेरे को चाहिए था मैंने लिया, केला जैसे किनू, करेला, ब्रोकली, ये जो मेरे को जरूरत थे वही लिया। सालों का अगर हम देखें तो सब्जियों का काफी दिक्कत होता था और काफी जब सब्जी आती भी थी तो हमसे हमारा चॉइस का जो होता था नहीं इतना मिलता था या वैरायटी जो है वो बहुत कम होता था। तो इस बार की कितनी खुशी है आपको जो वैरायटीज भी ज्यादा बढ़ गई है, अपनी चॉइस से भी आप ले सकते हैं? ज्यादातर तो मैं इस बात का खुशी है कि ये फ्रेश मिल रहा है, अभी अभी पहुंचा बोलता है तो अभी अभी मिला तो फ्रेश अच्छा लगता है। पहले तो हमें मिलता भी था तो वो पैकेट में फ्रोजन जैसा मिलता था या जो भी मिलता था वो भी फ्रोजन होता था, तो उतना खाने में भी उतना वो नहीं होता था, आप फ्रेश तो मिल रहा है, चलेगा जी। तो खुशी इस बात की है कि आपको फ्रेश मिल रहा है। तो ये भी जानना चाहेंगे आप कितने दूर से आए हैं और गुर्सा का कैसे पता चला है आपको? मैं शे से आया हूँ, मैं यहाँ डाइट में मैं एक टीचर हूँ, डाइट में हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पे सब्जियाँ आया है तो लेने आ गया जी। वही एक और कस्टमर से हम पूछते हैं कि आपको कितनी खुशी है यहाँ पे जब विंटर्स में इतने ठंड के मौसम में जब फ्रेश वेजिटेबल्स मिलता है, तो इस चीज़ की कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है क्योंकि हम इस विंटर में कम से कम फ्रेश चीज़ तो खाने को मिल रहा है, इसलिए हम ये वर्षा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें सब कुछ विंटर के लिए हमें सूखा के सब्जी कुछ सूखा हुआ हमें हमारे घर में है, तो इस बीच इतना सब कुछ फ्रेश मिल रहा है तो बहुत खुशी है, थैंक यू। तो आप सबने सुना है कि यहाँ जो गुर्सा में जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ से काफ़ी खुशी महसूस होती है जब यहाँ पे लोगों को सुविधा दे पाते हैं। तो जो जहाँ ख़रीदारी करने वाले भी यहाँ काफ़ी आते हैं और उनका भी यही कहना है कि वो इस चीज़ से काफ़ी खुश है क्योंकि इतने सर्दियों में जब उनको वैरायटी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जब मिलते हैं तो उनको काफ़ी खुशी महसूस होती है। तो आगे गुर्सा का यही आगे उनका इनिशिएटिव रहेगा कि अगले साल और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे और इनके एक तो होम डिलीवरी है, दूसरा लोग यहाँ आके खरीद सकते हैं स्कारा योकमा में कुर्सा.com में। और उसी के साथ निसार हुसैन और रिक्जिन वैंग मुझे की 24/7 के लिए ले लद्दाख से। हमें संगल लेते ने गुलिस्तान न्यूज से चोंगे तेने यूटी लद्दाख का तेने एमपी स्कूल जब तेने जमियां से नमगे लेते ने एक आते ने गुलिस्तान न्यूज आते ने एक गासुजिन तेने कोंगे तुसो जिन चेन बे का सलचिस ला जुजुन ले तेने कजु आते ने दिरिंग जंगस्कारा तेने ले विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल बो तेने तेने थेंग तंग बो डुल तेनो ले तेने काले तेने एक तेने स्नो स्की बो तेने मा मिंगचन जिक तेने एक जंगस्कारा काउ कोना गताना सचा तेने टंगमो जिक तेने यांग युलखक जन नंगे बो तार टुक दुनिक छत्ते लुसन ले तेने काले तेने मिग्यूल कवांगता विजन जुन तवा मा लगमो नोक मीमा सामे खेनते नोक इन्ना जुगे निरा थुग्यु सिनोक निरा संस्कार निजुक्त नोक
जांसकार गुंतुस पता जांसकार पगुना कक्सपो जिक थे पिन्हा मता जांसकार यू लिम्बी गुनांग इकने सु जम्मू जुग सस्क्यो सु करगिल सु ले सु चंडीगढ़ जुग सस्क्यो चे जेना खा मांग पोता टंगमो योगा तेनी विना लास्ट मांग पे ढूल मा ढूल पसंग लेकिन मतंग संग में चुंडूस पोते वो नोक दस ई फेस्टिवल बेकने चिकता जांसकार मी माछा फिलो मी संग मांग गुंतुस लांगा ता जांसकार लख्यों चेस यंग मीमांस कुनला ई गुंतुस पे कने योंगोस पेलचेस संग में संग खाचा ने नोक यूल जिग यारगैस च्वाला जम्पा जिग ड्रुबा नोक लाम जिग ड्रुबा नोक टेलीफोने टावर जिखो योन छा नोक सिर जी का नाम सकपा टोंगबा रेरे नंग रेरे से योंगो ग्याला मी छा ते ते सकपा जुनुगुना लोबजों तांगचेस गंगो ने समानथुन तांगचेस संवा कासपो छा नोक तेपिया मीमांस योंगोस पेलचेस इफिया का ओंगाता रूरल लाइवलीहुड जेरे योंगोस पेलचेस इफिया ngata chitong chyo gosano hale tate cho che sena huntu se salyangs po che jena ngata zanskar इना जुगे तो जुरु ना जंगस्कार जुचेसो जंग कर्पो जुरु खा लेंगे चोको चांसपो गुना मैंने जंग कर्पो थोबा नोक जुरु तो थोबा मेत ना थों मिशेस इना ई खा कर्पो वो जंग संगा लाखा सेर कर्पो चोक थों दुखा ले सोमका ई खा कर्पो वे कने नाता जंसकार योंगो चोचेस ना जंसकार गिन ला खिर चेसे तरीका फिंग तत्ते ना 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 विंटर स्पोर्ट ना विंटर टूरिज्म जेते चलक निस ना ता थुत्ते नो विंटर स्पोर्ट ना दक्षा एक नाता गैप ने जिक्स ना ठुक चुंगुने आइस स्की तांगचेस हाले नाता स्नो स्की तांगचेस तेना चो आ योगा आ स्की डुलेनी नोक तेना चो कई कई शिले का गाता कांस ला ठिलचेस डुलेनी नोक ना तो गाता एक तरगुप तांस क्या तेना चो मिंडा मिंडा डिग्री में गाता डुलेनी नोक हाले सोंगा ई डिग्री में बो छांगमा चिकता गाता ने लोकल जुनु छांगमा जांसकारी जुनु छांगमा योंगचेस से मिचे ना सलियांग से ना गेन ला छाचेस ग्यागर माचा जम्बुलिंग दाने का गेन ला छाचेस निष्पा फिलोक ने गाता स्कोरियांग पा मांगपो का आई स्की ज्यादा स्क्यो दो सुनो स्की ज्यादा स्क्यो दो खों संगमा गाता ड्रोन कांग संगमा डुलचे सिनोक टैक्सी डुलचे सिनोक हटी डुलचे सिनोक जखांग डुलचे सिनोक यूल वो योंगो चंद डुलचे सिनोक ते गाता विंटर स्पोर्ट ना विंटर टूरिज्म ले तई भी ना गाता संस्कार पागुने चुंडू शिक्षिक ते जात गोशे सिनोक ने तो समारा गाता चम जिंग नंग होम स्टे नंगा गाता यारगैस तंगचेस टोंगबा रेरे नंग कुगा ड्रोनपो निसुम शालचे सिक्यूत संवा योंगस थोड़ी का गाता युलबो यारगैस छे गाता इना स्कोरियांग स्पा मांगपो यारगुन संगमा ढूला चिकनांग गाता इना फाइव स्टार होटल फाइव स्टार रिजोर्ट यो अंजे रत ना तेने ते वे योंगो संगमा चाक तुए चितांग यहां मीमांस ला फाना मानो ते फिया झांसकारे लुंगपे मीमांस संगमे ते वो गाता छतोन छागोस इवे नांगा माने फाइव स्टार होटल नांग फाइव स्टार रिजोर्ट फिलहाल गाजा घोष दो मेत गजे संस्कार टोंगबा स्टोंग निस नाम दुनिया बुआ टोंगबा रेरे नाम रेरे होम स्टे तंगन का वे कने स्कोरियांग स्पा चाम जो ना घोष ते दुआ चिंग नांग सुका छिनान दोनते सुका घोजान दोते छंगमा लंगाता योंगो मांगयू स्पेल यान स्पेरा खचन चिचिक तालो गाता इवो घोजु गिनो इवे नांगा कमी पीसी मांगपो लुसा नो गाता ग्यू सिनो कमी पीसी गुना जुगु चुगेन मधु गाला गाता जुंगे उसको जुंगे स्पोनबो नांग गाता युली उसको गुना रोक्स जाते इवो गेन लखेचेस ते नांग नांग खचन तालो जाक चुकसुम बो नेते जो नंगमोल दा निस डुल गोस दा सुम डुल गोस कजु डुल इन जो ना दिरिंग आता इका आइस सुनो स्की चो ना इस की बो दिरिंग आता जाक ची घंटा ची फियस तान क्या योंगचेस चने लोय नंगा जंबुलिंग नंग ने टीम ग्याला ग्याला योंग से इका चैंपियनशिप छागोस टूर्नामेंट छागोस कंपटीशन छागोस ते चो आइस हॉकी इन ना जाक चु चो ने कंपटीशन छागोस मेडिटेशन एंड योगा ऑन सुनो जरत ना विपासना अनापना जा चो से गता इना कोर्स डुल गो जाक चु चो ने सोंगत तेजु तेजु गाता प्रोग्राम बो रिंगमो थे यहाँ त्यो छंगमा तलो गाता पदू मे कनो नंगमो गाता इन अक्षो अभ्रन छकपा छागोस इन स्किन करगाक छकपा छागोस इन गाता पिशु पिदमो हनामुर छकपा छागोस तेजु गे एक्सपेंशन चोचेस प्रोग्राम एक्सपेंशन चोचेस लोकेशन एक्सपेंशन चोसे तेजु गाता युलबो योंगो चन चोचेसे तेने मा कुलोंग जंगपो जिंग नंग यांपो तेने गाय चोने युवो कोशिश चोसे नो सुंडु चोसे नो गा दिंग मा थुगजे छे नंग कठिन छे जुंगिन रंग गाता यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू स्कुंद मिक्साल स्क्योत नो गाता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब स्क्योत नो गाता तेना चोगा जांसकार चाम शिगे गाता उस्क्यों युत चाहे गाता एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनचोक टशी साहब इंडो तंजीन लकपा साहब इंडो छोजग्याल साहब इंडो गाता तंजीन जिगमेत साहब इंडो खोंग संग मा रोक्स ग्याल जाते हो दिवे नंगा डिप्टी कमिश्नर कारगिल योटो एच डी एम जांसकार योटो मीडिया पर निजा संग में रोक्स ग्याल योत वॉलेंटियर छोक्सपा मांग पे बिना रोक्स ग्याल संगमा लोक्स ते गाता इवो चितु ने लास ग्याल जी ग्रुप्स ते नो तिंगजी ना गाता इवो मा यार ग्यास छोसे गेन ला खेरचे से चुंडुस नांग यांपो थुकजे छे जुन हमारे
ये जो मशीन बाकरे की तरफ से आज सब के हाथों हमारे सीएमओ को डोनेट किया ये हाई फ्लू नेजल क्यूनुला है, ये हमारे डॉक्टर अबजली एनेस्थेटिस्ट है, कंसल्टेंट एनेस्थीजिया, क्योंकि इंटेंसिव केयर में ये लोग काम करते हैं, मशीन इनके साथ व्यवस्था रहता है, तो फुल डेमोन्स्ट्रेशन ये आपको डीमो एक दे देगा, डीमो दे देगा डॉक्टर अब्बास अली, ये कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, कोविड पे बिल्कुल दिन रात काम करते हैं, तो आप इनसे डीमो ले लीजिएगा। अच्छा, ये इस इक्विपमेंट का नाम हाई फ्लो नेजल कैनुला है, इसकी ज़रूरत पड़ी है अभी कोविड के टाइम, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो नॉर्मल सिलेंडर होते हैं या जो लगा होता है हॉस्पिटल में वो 10 से 15 लीटर मैक्सिमम फ्लो होता है उनका, लेकिन कोविड एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट बीमारी था, तो इस ये मशीन आपको 40 से 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देते हैं ये, इसीलिए और ऊपर से ये क्या है, ये पोर्टेबल हाई फ्लो नेजल कैनुला है, तो इसके कंपोनेंट है बस सिंपल है, ऑपरेटिव लाइट को कनेक्ट करके ये हुआ मेन मशीन, ह्यूमिडिफायर, और ये इसका सर्किट हुआ, यहाँ से नेजल कैनुला अटैच होकर नाक पे लगा के रखना, ये हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या सेंटर लाइन के साथ भी माउंट कर सकते हो, तो इसका ये सिंपल इक्विपमेंट है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे, ये पेशेंट के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कि बहुत सारे चेस्ट के मरीज़ होते हैं जिसको ऑक्सीजन अगर 15 लीटर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसका रेट आप 3 लाख से ऊपर ही जाता है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे हमारे के समझे एक पेशेंट थे या एक पर्सन, उनका नाम है सोनम छुडुल आरो मुलबेक, उन्होंने ये जो मशीन यहाँ पे हाई फ्लो नेजल कैनुला जो अभी यहाँ पे हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर अब्बास साहब ने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया कि इस मशीन की कितना इम्पोर्टेंस है, ख़ासकर जो अभी पोस्ट कोविड के बाद जो कोविड यहाँ पे रहा उसके बाद इसका कितना इम्पोर्टेंस है पेशेंट्स को, ख़ासकर जो हमारे अस्थमिक पेशेंट वगैरह हैं, तो ये उन्होंने हमारे बाकरिया इंस्टीट्यूट को यहाँ पे डोनेट किया है, उसके लिए मैं इनका पूरे काउंसिल की तरफ से जो डोनर है उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस एहसास उनको ये हुआ है कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है लोगों को कितना है, तो उसके लिए मैं बाकरिया को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनको इतना एतिमाद हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन पे और उन्होंने इसको डोनेट किया, और मेरी अपील रहेगी बाकरिया से कि जहाँ पे भी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ तक इसको पहुँचाएं, क्योंकि इनके पास पूरा डाटा है कि कहाँ कहाँ पे ये ज़रूरत है, तो वहाँ पर पहुँचाएँ, और साथ ही बाकरिया ने इसको आप सीएमओ साहब को जो है डोनेट कर दिया है हमारे मेडिकल, चाहे वो हॉस्पिटल में रहें या जहाँ पीएससीज पेरेफेरीज में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, तो सीएमओ साहब जो है उनके सुपरविजन में इसको जो है पेशेंट्स तक पहुँचाया जाएगा, तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो लोग आगे आके जो हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें डोनेट कर रहे हैं ये भी उसका एक हिस्सा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पेशेंट ख़ुद इस वक्त पर्सन जो है ये इस वक्त ले में है, लेकिन उन्होंने ये बाकरिया तक पहुँचाया और बाकरिया जो है इसको आज हमारे हाथों से सीएमओ तक पहुँचाया है, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर बहुत ही मशकूर हूँ, और दोनों बाकरिया और सीएमओ साहब दोनों से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ तक इसको पहुँचाएँ। अहम मशीन जो कोविड-19 महामारी के बीच जिसकी ज़रूरत ज़्यादा था, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, और जिसके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए फ़ायदामंद साबित हो रहा था, ऐसा एक मशीन डोनेट किया है, और हम सोनम छोरोल को सलाम पेश करते हैं। इस मशीन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर कहेंगे हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन बाकरिया के जरिए डीएचके को डोनेट किया है सोनम छोरोल, जो कि वखा से हैं, इस वक्त लेह में हैं और डीएचके को डोनेट किया है। देखिए, ये हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन जो है तकरीबन मिनट में पर मिनट 15 से 40 लीटर तक ऑक्सीजन देता है। नॉर्मल हमारा जो सिस्टम है वो 5 लीटर 7 लीटर या मैक्सिमम 10 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन देने का हमारे पास बहुत से सिस्टम यहाँ नहीं है। यह हाई फ्लो मीटर में एक मशीन बाकी मौजूद है, ये मशीन हमारे लिए बहुत जरूरत है, जो सीरियस कोविड या किसी वजह से हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़े उनके लिए पड़ती है। मशीन काफी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का मशीन है,
तो ये मैम जो है सोनम छरोल वाखा की रहने वाली हैं, इन्होंने ये ज़रूरी समझा कि एक मशीन खरीद के डोनेट किया जाए, खुद लह में रहती है, तो उन्होंने बाकरिया को भेजा था कि इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोनेट करने के लिए। तो आज हम आपने देखा इसका डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्टर अकबर अब्बास अली ने आपको किया है, तो सीसी साहब के हाथों हमने ये सीएमओ साहब को हवाले कर दी है मशीन। कम से कम हमारे पास 2 या 3 जब मशीन हो तो हम सिक्योर रहेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ सोनम छरोल का इस ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए। बस अल्लाह से दुआ है कि उनको और तौफीक दे और लोगों की खिदमत करने का मौका दे, हम तो शुक्रिया ही कर सकते हैं। खासकर इस तरह की मशीन हमारे DHK में बहुत, जिस तरह से आपने कहा कि इसकी बहुत अहमियत और ज़रूरत इस वक्त खासकर कोविड के बीच बहुत ज़रूरत है, तो इस मशीन को कहाँ कहाँ आने वाले वक्त में यूज़ करने जा रहे हैं? क्योंकि बाकरिया के पास इससे पहले, जैसे अगर हम ऑक्सीजन के हवाले से जो पेशेंट्स होता है खासकर हार्ट की या बाकी पेशेंट्स की बात करें, उसके रिकॉर्ड शायद हैं आप लोगों के पास, तो उस हवाले से इस मशीन को आने वाले वक्त में कहाँ? नहीं, जो बाकरिया का जो मशीन है, हमने आपको पता है कि तकरीबन 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमने डोनेट किया है, वो उन लोगों के लिए जो हस्पताल से छुट्टी हो चुकी है जिनकी, लेकिन घर में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मशीन है जो ICU में इस्तेमाल होता है, जो सीरियस पेशेंट हो उनके लिए, जिनको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। इंशाल्लाह काफी हद तक हमारी मुश्किल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन काफ़ी हद तक लोगों की मुश्किलात को, पेशेंट के मुश्किलात को आने वाले वक्त में हल करने में फायदा मंद साबित हो सकता है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, पल पल के अपडेट के लिए। हर खास व आम को इतला दी जाती है कि पूरे मुल्क के साथ साथ जिला करगिल में भी 16 जनवरी 2021 से कोविड वैक्सीन के टीकाकारी का अमल शुरू हो रहा है। ये वैक्सीन मुल्क में ही तैयार किया गया है, जिसके पहले मरहले में महकमा सेहत के हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिलाया जाएगा। इस सिलसिले में पहली किस्त में मुल्क भर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है, जिसके बाद सिलसिलावार तरीके से तमाम आबादी जुमरों की टीकाकरण के सिलसिले में सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब भी सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा और आप सबकी वैक्सीन लगाने की बारी आएगी, तो इस वक्त जरूर टीका लगवाएं और खुद को, अपने अजीजों अकारिब और रिश्तेदारों को महफूज रखें। आप महफूज तो मुल्क महफूज। महकमा सेहत आमा जिला करगिल की तरफ से मफाद आमा में जारी। एडमिशंस ओपन, फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड। दून इंटरनेशनल स्कूल, अ पैरागन ऑफ एक्सीलेंस। We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do. Pura 28 liter doodh deti hai meri gaay. Par pehle to dikhane mein bhi sharam aave thi. Phir doctor saab ne bataya, feed aisi khilao ki doodh badhe. मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30, भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य।